एक ऑर्डर यहाँ तो कैंसिल नहीं हो सकता अब बिल्कुल भी। मैं भागूंगी नहीं, दुकान बंद हो रही थी, मोमोज वाले की दुकान खुलवाने को हो रहा है, मैंने गूगल पे पे पेमेंट कर दी। कितना बदतमीज है स्टाफ यार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो, सो विद अनदर चैलेंज ऑफ कोर्स। और आज हमारा जो चैलेंज है वो हमें दिया है किसी वैष्णवी राठौर ने, और ये चैलेंज है डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करो और पेमेंट 1 रुपीस के कॉइन्स में करो और उनको बताना नहीं कि देर है। तो अभी हमने सोचा है कि हम डोमिनोज में बाहर ही हैं, अगर हम ऑर्डर करते हैं और 1 रुपए की पेमेंट करते हैं तो वो हमें COD पे करना पड़ेगा, मतलब हम पहले ऐप से ऑर्डर करेंगे COD पे और गाड़ी हमने बाहर ही लगा दिया, हम उनको अंदर जाके बोलेंगे कि हम बाहर ही हैं तो COD में आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमें बाहर ही दे देना। तो जब वो बाहर आएंगे तब हम उन्हें 1 रुपए का कॉइन हमारे पास नहीं है या 10 रुपए का सिक्का या जो भी हमारे पास होगा उससे हम उनको पेमेंट करेंगे, और फिर वो बोलेंगे कि मैडम आपका तो इतने का ऑर्डर था, या देखते हैं वो जो भी बोलते हैं, तब हम उनको एंड में बताएंगे कि ये देर था, क्योंकि ऐसे बताना उनको स्टाफ को परेशान करना सही नहीं है। तो थोड़ी देर की जो 5 या 2-3 मिनट की जो भी कॉन्वर्जेशन होगी सिर्फ उतनी ही रखेंगे, क्योंकि रात का टाइम है और रात के टाइम किसी भी स्टाफ को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हम उनको पैसे पूरे देंगे जो भी ऑर्डर करेंगे। मैं अभी डाइट पे चल रही हूँ तो मैं ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पाऊँगी, कुछ 1 या 2 आइटम ऑर्डर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। क्या खाएगा? फिर भी कुछ तो पसंद होगा। एक अपनी पसंद से पिज्जा खिलाऊं तुम्हें, बहुत तगड़ा जो मैं खाती थी। ये हमने ऑर्डर कर दिया है, इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ चाहिए? हमारा दूसरा वाला जो कैमरा मैन है ना वो खाने का कुछ शौकीन है बहुत ज्यादा। अभी दुकान बंद हो रही थी, मोमोज वाले की दुकान खुलवाने को हो रहा है, चलो ऑर्डर कर देते हैं। हमें न्यू एड्रेस डालना पड़ेगा, सेक्टर 55 यहाँ का एरिया। बाकी उनको वैसे भी हमने अंदर जाके बोलना ही है कि हम बाहर ही हैं, तो आप ऑर्डर नंबर देख लो और हमें बाहर गाड़ी में दे देना। चेंज UPI। रुक। पिज्जा जो है उसमें मैं थोड़ा चेंज करवाना चाहती हूँ। गुड गुड टू गो। प्लेस ऑर्डर, अनलॉक गूगल पे, 1 2 3 गो। तुड़ू, मैंने गूगल पे पेमेंट कर दी। ओ शिट गाइस, मेरे को एक और ऑर्डर करना पड़ेगा COD पे, इस ऑर्डर को कैंसिल करके। कैंसिल कैसे होता है, कैंसिल कैसे होता है, हेल्प। भाई मैं तो बहुत ही पागल हूँ, बहुत ही निहायत ही पागल। कैंसिल करने का ऑप्शन भी नहीं दे रही है तो। हाँ भैया वो कैश ऑन डिलीवरी वाला मेन है, वो कैंसिल कर दो, कैश वाला कैंसिल नहीं करना, पेड वाला कैंसिल कर दो। हेलो, हाँ जी मैम बताइए। मैंने ना गलती से 2 ऑर्डर कर दिए हैं। हाँ जी। तो जो पेड वाला ऑर्डर है ना वो आप कैंसिल कर दो, कैश वाला रहने दो। मैम एक्चुअली क्या है, पेड वाला ना एंटर लग चुका है तो वो कैंसिल नहीं होगा। अच्छा तो आप दोनों कर दो। हम वॉलेट में रिफंड आएगा फिर। किस चीज का? ये पेड वाला आपका। हाँ कोई चक्कर नहीं है, ऑर्डर नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं, तो बन चुका है आपका ऑर्डर, बन चुका है पिज्जा। अरे तो मैं आपको कह रही हूँ ना आप दोनों ऑर्डर कैंसिल कर दो। मैम ऑर्डर बन चुका है ना, आप पहले ऑर्डर प्लेस ही करते, अपने इन्फॉर्म करते थे ऑर्डर कैंसिल करना है, तो आप दोनों ऑर्डर भेज दो। आपको दोनों चाहिए मैं दोनों बनवा देता हूँ। हाँ आप बोल रहे हो वॉलेट में चला जाएगा, फिर आप बोल रहे हो कि बन चुका है, जब मैं कैंसिल करने को कह रही हूँ दोनों बन चुका है, एक ऑर्डर बन चुका है आपका, आपको दोबारा दूसरा ऑर्डर प्लेस किया, इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए कॉल किया कि आपको एक चाहिए दोनों चाहिए। कोई बात नहीं आप दोनों भेज दो। मेरा ऐसे डोमिनोज वाला प्रैंक जो है मुझे फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, पर फिर भी अब मैं एक ऑर्डर जो है जो पेड वाला है वो किसी और से रिसीव करवाऊंगी और कैश ऑन डिलीवरी वाला मैं खुद रिसीव करूंगी। एक सेकंड, दो दो बंदे आए, थैंक यू। हो गया ऑर्डर, तो हो गया पैसे? ये मैंने पैसे वैसे कर दिए थे अभी, मैं शायद हाँ एक का COD पे था। एक सेकंड, 10 मेरे पास कैश तो 10 रुपए अभी। ऑनलाइन ही कर दी, ये तो गलत करवा दिया आपने, ऑनलाइन मैं पहले भी कर चुकी हूँ।
दूसरे वाले ऑर्डर का मतलब दो ऑर्डर था ना आपका? हाँ, एक ऑर्डर का ऑनलाइन है, दूसरे वाला ऑर्डर कैश का। ऑनलाइन पे मेरी लिमिट एक ऑर्डर की थी, मतलब मेरे उसमें ट्रांजैक्शन का लिमिट एक्सीड तो हो चुकी। क्या चाहती है? अभी आप मेरे पास जितना कैश है आप उतना ले लो, उसके बाद मैं कर दूंगी दोबारा। दोबारा नहीं होता मतलब? दोबारा थोड़ी, एक साथ देना पड़ता है, वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो मैं यहीं रहती हूँ, मैं कर दूंगी। इसका मतलब थोड़ी, हम लोगों को देना पड़ता है पैसे। आप लोगों को देना पड़ेगा? और क्यों? मतलब पंच हो गया एक बार तो ऑर्डर पैसे देना है, चाहे जहाँ दो। तो एक ऑर्डर यहाँ तो कैंसिल नहीं हो सकता अब बिल्कुल भी? बनवा ली दुकान कैंसिल रिटर्न। सर ऑर्डर का नाम है, एक बोल रही कैंसिल करने को, मेरे पास कैश नहीं है, बात कर लीजिए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी बताइए। मैं कह रही हूँ मेरे पास कैश अभी मैंने देखा तो मेरे पास है 10 रुपए के चेंज जी, और ऑनलाइन जो मेरी लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है। तो अब आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। तो मैम ये तो आपको पहले भी पता हुआ, आपने ऑर्डर पेपर नहीं दिया, कैंसिल करवा रहे हैं आप? नहीं मेरे को नहीं पता था मैम, ये तो आप पहले ही मुझे बोल सकते थे, आपने बोला ठीक है आप दोनों बना के भिजवा दो मेरे ऑर्डर। हाँ पर मेरे को ये नहीं पता था ना कि ऑनलाइन मेरी लिमिट एक्सीड हो जाएगी। आप किसी और से करवा दीजिए मैम। आप अगर वेट कर सकते हो तो आप वेट कर लो, ये लड़का अपने पास ही खड़ा है, किसी और से करवा दीजिए। भैया पर ये कितनी देर तक खड़े रहेंगे ऐसे, मैं बुला लेती हूँ किसी को। नहीं तो आप कॉल कर दीजिए ना, किसी से कॉल से करवा दीजिए फोन करके। आपके पास आपका नंबर है? नंबर मतलब? मतलब नंबर किसके नंबर पे करूँ मैं? नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप किसी अपने फ्रेंड से या किसी को कॉल करके, और आप अपने नंबर पे या लड़के के नंबर पे करवा दीजिए, मैं QR दे देता हूँ, QR पे करवा दीजिए। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ कि वो जो पेमेंट करनी है वो किसके नंबर पे करूँ मैं? लड़का राइडर आपके पास खड़ा है, आप उसके नंबर पे करवा दीजिए। भैया पर वो तो स्टाफ है ना, वो तो काउंट तो वैसे भी नहीं होगी पेमेंट से। मैम काउंट क्यों नहीं होगी, आपके पास बिल है ना, बिल की पेमेंट तो चाहिए मैम। आप अपने पर्सनल नंबर पे करवा रहे हो ना? मैम वो QR दे देगा, लड़के के ऐप में QR आता है, उस QR पे होगा, डोमिनोज को पेमेंट होगी। डोमिनोज का QR? हाँ डोमिनोज का QR उसके फोन में आएगा, वो उस पे पेमेंट करवाएगा। ठीक है। भैया फोन उठा नहीं रहे हैं वो अभी। मतलब आपको कैंसिल करवाना है? नहीं मतलब मैं एक दो बार और ट्राई कर लेती हूँ। हेलो मैम क्या हुआ, पेमेंट नहीं हो रही? भैया पेमेंट हो रही है पर मैंने अभी जिनको फोन मिला है उन्होंने फोन उठाया नहीं, तो अगर आप थोड़ी देर रुक सकते हो तो आप रुक जाओ। आप अभी यहीं पे है ना? हाँ हाँ ठीक है, तो कोई नहीं अभी वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। ठीक है, आपका ये आउटलेट कितने बजे तक खुला है? आउटलेट तो मैम बस 4 मिनट बचे हैं, 11 बजे तक आउटलेट ओपन रहता है। ठीक है आप कोशिश की थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ जी ठीक है। पर भैया ऐसे ऐप पे आपके ऑप्शन भी नहीं है ऑर्डर कैंसिल करने का, मैंने ऑर्डर कैंसिल करना चाहा था पर वो नहीं हो पाया। नहीं आप ही ने तो मेरे को फोन पे बोला कि हम कैंसिल नहीं कर सकते। कैश वाला बोला कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं समझ नहीं पाया। कैश वाला तो मेरे को ये था कि मैं कैश वाला ले लूंगी क्योंकि मुझे पता था मेरी ऑनलाइन जो कैश मैंने बाद में देखा कि नहीं है, वो मैं किसी को फिर भी फोन करके कुछ कर देती पर मेरी वो तो मैंने कर रही हूँ ना, मैं फोन तो कर ही रही हूँ। पहले वाला मेरे को लग रहा था कि मेरी ऑनलाइन की लिमिट एक्सीड हो जाएगी इसीलिए मैंने कैश पे किया था अगला, पर वो पहले वाला पे हो गया और वो दूसरा भी ऑर्डर हो गया और आपकी ऐप पे कैंसिल करने का भी कुछ ऑप्शन नहीं था। ठीक है मैं फोन करके मैं अंदर ही आ जाती हूँ, मैं भागूंगी नई गाड़ी लेके। यार कैसी बातें कर रहे हो भैया, मैं ट्राई तो कर रही हूँ। एक्चुअली मैम टाइम हो गया ना इसलिए 11 बज गए। तो अभी आपको कैश में पेमेंट चाहिए? आप जैसे भी कर सकते हैं, UPI कर दूँ? हाँ जी कर दूँ। मशीन लेके आओ की बात ले आओ, इसी पे करवा लूंगा ना। हाँ ऐप पे करवा लो। भैया हमारी एक वीडियो चल रही थी और हम मैं पहचान भी गया था क्यों बोला भी
ये एक्चुअली बाद में पहचान पाया, मैंने पहले ध्यान से देखा तब मैं पहचान पाया। मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था साइबर पार्क में, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था पहचानने में। तो आपको लगा मैं पे नहीं करूंगी? नहीं ऐसी बात है नहीं, मैं पे वाली बात नहीं, मैं एक्चुअली कंफ्यूज था, इसने मुझे बोला भी। हाँ मैं बाद में देख पाया। आप पहचान गए थे फिर भी आप गुस्से में बात कर रहे थे मेरे से। मैं पे तो कर ही देती, हम सिर्फ वीडियो बना रहे थे। हमारे पास एक चैलेंज आया था जिसमें ये था कि आप डोमिनोज से ऑर्डर करो और उनको पैसे दो 1 रुपए, फिर उनका रिएक्शन देखो। पर हमारे पास थे नहीं 1 रुपए, तो वो ऑर्डर भी डबल हो गया गलती से। सॉरी क्यों, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं तो पुलिस ने मुझे बोला। कोई बात नहीं, आप मुझे स्कैनर दे दो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हाँ तो हमने उनको ज्यादा देर परेशान नहीं किया क्योंकि उनके आउटलेट बंद होने का टाइम हो गया था। डिसाइड करो कि ये फ्लॉप हुआ या नहीं हुआ। एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना एंड नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नेक्स्ट चैलेंजेस आप कौन से चाहते हो।